नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चले मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको रविवार को छोड़कर किसी भी दिन शुरू कर लेनी है, और दिन ऐसे चुनना है जिसके बीच में रविवार ना आए। यानी कि सोमवार आप चुन सकते हैं, मंगलवार चुन सकते हैं, पर आप शुक्रवार, शनिवार और गुरुवार ये नहीं चुन सकते। सोमवार से लेके आप बुधवार तक कोई भी दिन चुन सकते हैं, क्योंकि विधि के बीच में रविवार नहीं आना चाहिए। दिन के समय करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है। माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में ना करें, और मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी पुरुष या महिला इस विधि को ना करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप ये विधि करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों विधि की सामग्री की। तो विधि की सामग्री के रूप में आपको लेना है तुलसी का पत्ता। जी हाँ मित्रों, तुलसी के एक पत्ते से आपका वशीकरण हो जाएगा। जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। मात्र एक पत्ता लेना है, अच्छा पत्ता लेना है, बड़ा पत्ता ले लेना मित्रों, और रविवार के दिन नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए कोई सोमवार को शुरू करा तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी का एक पत्ता तोड़ेगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर घर में नहीं है तो मंदिर में आपको तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे, तुलसी का पौधा मिल जाएगा, वहाँ से आप एक पत्ता तोड़कर घर लेके आएंगे, उसको एकांत में बैठकर कपड़ा बिछाकर बैठ जाएंगे और एकांत में बैठकर आपको अभिमंत्रित करना है। तुलसी का पत्ता वैसे मित्रों साधारण नहीं होता, पर अब तक ये तांत्रिक महत्व नहीं है इसका। इसको सीधे हाथ की मुट्ठी में आहिस्ता बंद कर लेना है और फिर सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ, अब ध्यान से सुनेगा। मंत्र है, ओम तंत्र तुलसी सर्व कार्य सफल करु एवं सामने वाले का नाम वश्यम करिष्यामि। ये आपको मंत्र बोलना है, बड़ा मंत्र है, ध्यान से बोलिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए मंत्र में। मंत्र एकदम सही होगा तभी आपका कार्य बनेगा। मंत्र में गड़बड़ हुई तो आपको दिक्कतें हो सकती है। 251 पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ, आप मंत्र सुनेगा। मंत्र है, ओम तंत्र तुलसी सर्व कार्य सफल करु एवं सामने वाले का नाम वश्यम करिष्यामि। 251 बार जब आप जाप कर दें उसके बाद आपको तुलसी के पत्ते को अपने मुंह में रख लेना है। तुलसी के पत्ते को अपनी जीभ पे रखकर आपको 11 बार सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है, जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हो उसका 11 बार नाम और ले लेना है। फिर आपको तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लेना है। तुलसी के पत्ते को आगे वाले दांतों से चबाइएगा, पीछे वाली जाड़ से बिल्कुल भी नहीं चबाना है। आगे वाले दांतों से चबाकर आप उसको ग्रहण कर लेंगे। यह करने के बाद मित्रों आप वापस उस तुलसी के पौधे के पास जाएंगे जहां से आपने पत्ता तोड़ा था, और वहां जाकर आपको उस पौधे की पूजा करनी है। नियमित रूप से जो लोग पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करनी है, और एक पात्र से जल को चढ़ा देना है तुलसी के पौधे पर। यह करने के बाद आप अपने काम में लग जाएंगे, आपने पहले दिन का काम कर दिया है। दूसरे दिन दूसरा पत्ता तोड़ेंगे, उसे फिर से अभिमंत्रित करेंगे सीधे हाथ में लेकर। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र सुनेगा। मंत्र है, ओम तंत्र तुलसी सर्व कार्य सफल करु एवं सामने वाले का नाम वश्यम करिष्यामि। 251 बार जाप करने के बाद इसको फिर से मुंह में रखेंगे, जीभ में रखेंगे, और सामने वाले का 11 बार नाम ले लेंगे। फिर उसको ग्रहण कर लेंगे और फिर उसी पौधे की वापस पूजा करेंगे, उसमें जल अर्पित करेंगे। ये दूसरे दिन यही कार्य, तीसरे दिन और यही कार्य चौथे दिन, कुल 4 दिन आपको ये कार्य करना है। 4 दिनों में ऐसा वशीकरण बन जाएगा कि सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होता चला आएगा।
जरूरत नहीं रहेगी किसी से बातचीत करने की, जरूरत नहीं रहेगी आपको उसके सामने गिड़गिड़ाने की, सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा। अगर मित्रों जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विधि में गलती किए बिना आप अच्छी तरीके से अगर विधि करेंगे तो ये विधि आपको वो परिणाम देगी जो आप चाहते हैं। बाकी मित्रों गलत नियत से नहीं होना चाहिए, सही नियत होनी चाहिए कार्य में। अगर गलत नियत से हुआ तो नुकसान हो सकता है, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश कोई भी कार्य और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जिसका आप सामना भी नहीं कर पा रहे, तो आप मित्रों हमारे आश्रम के नंबर पर संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी हमारे आश्रम में हल हो जाएगी, हमारे आश्रम में जो गुरुजन है वो आपकी समस्या का हल कर देंगे। बाकी मित्रों बिना गलती कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें, और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।